स्व का रूप अभी आपको याद है, मेहमान शरीर है। हम कहते मैं आत्मिक स्वरूप में हूं, तो नहीं, आपको शरीर की याद है, शरीर हूं मैं। तो आपने अभी तक हमारे बुद्धि में ये स्मृति में है, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं माता हूं, ये याद है? नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्वरूप। तो आत्मिक स्मृति है तो उसको देह, देहधारी, सेवा कुछ याद नहीं आता, कोई विचार नहीं आता। तो आत्मा अपने गुणों का ही, मैं कौन, पवित्र स्वरूप हूं, मैं शांत, कोई इधर उधर के विचार नहीं, मैं सुख स्वरूप। आत्मा अपने स्वरूप से ही उसी चिंतन में स्थित होता है, खाली नहीं रहेगा मन, खाली नहीं होगा बुद्धि, खाली नहीं होगी। मन के अंदर विचार आएंगे, आप कहेंगे निल होके मैं खाली होके बैठता हूं, कभी भी एक सेकंड भी मन खाली नहीं रहेगा, बुद्धि खाली नहीं रहेगी। अगर खाली रहा तो कोई ना कोई विचार आएगा, इसलिए योग में बैठते ही काम दिया, मन बुद्धि को काम दे दो, ये मन और बुद्धि दोनों जोड़ना चाहिए। इसलिए भारत एक ही देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता, दो हाथ जोड़ता है। तो आत्मा को भी दो हाथ है, एक मन और एक बुद्धि, इन दोनों को पहले एक करना, इसको कहते हैं आत्मिक स्वरूप में आप स्थित हो। आप देख लो 5 मिनट 10 मिनट तक आत्मा का चिंतन करो। जैसे आपने देखा प्लेन ऊपर उड़ता है तो एकदम दौड़ जाता नहीं है, पहले उसको दौड़ के जाना पड़ता है। तो यहां भी 5 मिनट तक मन बुद्धि में अच्छे आत्मिक विचार करो, आप मन बुद्धि को स्वच्छ करो उड़ने से पहले। अगर ऊपर जाना चाहते हो, कौन जाना चाहता है, शरीर जाएगा, मन और बुद्धि, तो ये दोनों मन बुद्धि स्वच्छ है तो ऊपर परम धाम तक, स्वच्छ धाम, पवित्र धाम, परम धाम तक जाएगा, उसको कोई खींचेगा नहीं, इधर उधर के कोई विचार नहीं आएंगे। तो पहले जितना इसको स्वच्छ करते हो उतना आराम से परम धाम में 1, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, बाबा के 8 शक्ति दिया, कम से कम एक एक मिनट भी एक एक शक्ति को चिंतन करो, 8, 10, 15, 20, 25 मिनट तक ऊपर रहते हो तो पवित्र धाम है। जैसे एसी में बैठो ठंडा लगेगा, कितना मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, उतना ठंडा हो जाएगा, उतनी बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार स्वच्छ होगा। आत्मा के अंदर जो शक्ति भरती है वो यहां नहीं भरती है, वो वहां। जितना आप मन बुद्धि परम धाम में पावर हाउस से कनेक्ट करते हो उतनी शक्ति बढ़ती है, उतना विकर्म विनाश होते, उतने बुरे स्वप्न आना बंद होता है। तब कहेंगे जितने दिन आप देखो आज एक स्वप्न आ रहा है, कम से कम मिनिमम 1 महीना था, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जो कहता है मेरे अंदर एक भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आया, उसका नाम है फरिश्ता। ऐसे नहीं किसी को फरिश्ता बनाओ, ऐसे नहीं कोई कर्मातीत बन गया, ये बोलने से फरिश्ता समझो, समझने से फरिश्ता नहीं बनते, बनना पड़ता है, रब उसकी तपस्या चाहिए, तब वो आत्मा सत्युग में जाएगी।